बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हम जा रहे थे मम्मा के घर बच्चों को ड्रॉप करने। दोपहर का टाइम, उफ़, इतनी आँखों को धूप तेज़ लग रही थी ना, मतलब धूप देख के भी गर्मी लग रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। जितना अच्छा मौसम पिछले दिनों चल रहा था, अब उतनी ही गर्मी पड़ रही है। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी, और बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, शुक्र है, बच्चे नानों के घर। और जी, ये शाम का टाइम है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब कोई नया रिफ़्रेशमेंट पॉइंट या कुछ इस तरह का ओपन होता है ना, तो मतलब रौनक बढ़ती है। और वही बात है कि रौनक देख के ज़रा दिल भी खुश होता है, और बंदे को जो जितना भी स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी हो रहा हो ना, वो बाहर निकल के और थोड़ी रौनक देख के सब सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, ये हमारे घर के पास ही है एक फिंगर चिप्स, यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, डिफरेंट वराइटीज़ के मिलते हैं। थैंक गॉड कि हमारे इलाके में भी कोई लोडेड फ्राइज़ और ये सब कुछ आया। तो बस यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी पिज़्ज़ा फ्राइज़, और यहाँ का सोडा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल तो तकरीबन डेली मैं यहाँ का सोडा जो है वो ट्राई कर रही हूँ, और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं सोडे के, बल्कि तो वो चीज़ बड़े मज़े की लगती है। एनी वेज जी, इसके बाद हम आ गए थे घर, और आज हमने जाना था अजान के तायबू के घर, क्योंकि वो उमरा से वापस आए थे, तो उनको मुबारक के लिए हम लोग ने जाना था उनके घर। और बच्चों को जो है वो ये बहुत पसंद है मीट बिस्किट्स, ये असल में तो वो जो हम कुंडों पर टिकियाँ नहीं बनाते, रेसिपी सेम वो है, लेकिन इसको शेप्स और वेरिएशन और दे दें तो बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो टेस्ट फ्लेवर इसका वही वाला होता है जो हम लोगों ने बचपन में खाए होते थे, जब कुंडे बनते थे, जिसको कुंडे भी कहते हैं, टिकियाँ भी कहते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं इनके बारे में। तो मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पास डिफरेंट कटर्स थे, तो मैंने इसके प्यारे प्यारे से शेप्स के बिस्किट्स बना लिए, और यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा कार्ड बना लिया मैंने उमरा मुबारक का। और अब हम चले जाएंगे अजान के तायबू के घर मीठा लेकर। और एंटर होते ही बड़ा प्यारा सा वेलकम हुआ हुआ था उनका, तो यहाँ पर डोर पे बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ था उमरा मुबारक। और इतनी प्यारी जगह से आए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला के घर से अल्लाह ताला हर मुसलमान को इतनी पाक सरजमीन पर लेके जाए। और बस सबकी ख्वाहिश होती है, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की ये ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। तो बस यहाँ पर बच्चों से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए थे, और हम लोगों ने फिर बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, दोनों बच्चे भी आए थे मेरे साथ। और बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं माशाल्लाह, जो जो देख कर आए थे बच्चे वो सारा कुछ अपनी ज़बान में बता रहे थे, और चीज़ें भी बहुत सारे, बच्चियाँ तो जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती हैं, तो वो छोटी मोटी चीज़ें अपनी वो भी दिखाएंगी अभी। और यहाँ पर आ गई थी जी मक्का मदीना की सौगात, और बहुत वैरायटी मज़ेदार मज़ेदार खजूरों की थी, मीठों की थी, और मीठे तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है। तो बस यहाँ पर हम लोग जो हैं वो आप जमजम और खजूरों के साथ जो है वो एंजॉय करेंगे। ओह वाओ, और दिखाई क्या क्या? ओह माय गॉड, ये क्या है, बहुत ज़रा बताए भी मुझे। ओके, ईशन की प्यार पे चीज़ें, एक मिनट ईशन का थोड़ा सा देख। अच्छा, बच्चियाँ इतनी माशाल्लाह केयरिंग और इतनी होती है ना, मतलब अपनी चीज़ों का ख्याल रखने वाली। ज़िमल तो भी छोटी है, लेकिन बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा अपनी चीज़ों का ख्याल रखती। इतनी छोटे छोटे आइटम्स थे बच्चों के पास, और उन्होंने इतनी संभाल के रखे हुए थे। अब आप ये देखें, इतनी टाइनी चीज़ें कि भाई बॉयज़ तो मैं कहती हूँ कि ख़रीदे ही ना ऐसा सब कुछ, और अगर ले भी लें तो उनसे अगले ही लम्हे वो चीज़ें घूमी हुई हो या टूटी हुई हो। तो बस यहाँ पर मैं भी चीज़ें देख के इतनी हैरान हो रही थी कि देखो, हमारे बचपन वाले दिन मुझे याद आ रहे थे, जो मैं भी छोटी छोटी डॉल्स और ये सब कुछ संभाल संभाल के रखते थे, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही टाइनी चीज़ें आ गई हैं, मतलब कि किचन आइटम के अंदर का सारा आइटम और वो सब कुछ। तो बच्चियाँ बस अपनी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं, और हम भी इंजॉय कर रहे थे, अजान ज़िमल भी इंजॉय कर रहे थे। अजान को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था चीज़ों में, लेकिन ज़िमल अपना इंटरेस्ट बड़ा शो कर रही थी। तो बस यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें दिखाएंगे, और बड़ा अच्छा सा टाइम हमने स्पेंड किया।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा जहेज़ जो है ना वो निकल चुका है, इसमें दुनिया की हर चीज़ है, छोटी 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 बस एक डॉल की कमी है जिसकी शादी करो और ये सारा जहेज़ दे दो। और यहाँ पर आ गया था एक अदद बच्चा जो कि तबाहियाँ मचाना शुरू कर रहा था, और बस फिर हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से सब कुछ पैक करो और वापस रखो। और मज़े की मदीना मुकरमा की बातें सुनकर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, बस अब हम जाएंगे वापस अपने घर और बस यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उन सब को भी अपने घर की ज़्यारत करवाए जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।